हमीरपुर फेंसिंग एसोसिएशन जो 22 सितंबर को जिला प्रतियोगिता हमीरपुर में करवाने जा रही है, तो उस उपलक्ष्य में हमने सभी पत्रकार बंधुओं को बुलाया है, क्योंकि लंबे समय से हमीरपुर में फेंसिंग कोई प्रतियोगिता नहीं हुई है। जो हमने पिछली बॉडी बनाई थी तो पिछले 3-4 साल से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, पर हमने नई बॉडी जो है यहाँ बनाई है, जिसमें हमने श्री संदीप कुमार जी को जिला अध्यक्ष और श्री अरुण ठाकर जी को अरुण चौहान जी को सेक्रेटरी यहाँ का नियुक्त किया है। उसमें जो है हमें थोड़ी कुछ समस्या का सामना करना पड़ा है। हमारी जो पूर्व में बॉडी थी, जो कि हमने उनकी जगह नए लोग बनाए हैं, क्योंकि उनके कार्य प्रणाली जो इतनी अच्छी नहीं थी, तो उन्हें कुछ सोशल मीडिया के जरिए या कुछ पत्रकार समाचार पत्रों के माध्यम से जो है भ्रांतियाँ फैलानी शुरू कर दी कि ये फेक है, हम प्रदेश फेंसिंग एसोसिएशन का मैं प्रधान हूँ, हमारे साथ हमारे सीईओ साहब हैं। तो हमने जो है इनको एप्लीकेशन दी है, जो हमने नई बॉडी बनाई है संदीप कुमार और अरुण चौहान जी, जिसमें हम संदीप कुमार जी हमारे अध्यक्ष हैं और अरुण जी हैं। आपने कुछ कागज पर ही तैयार किए हैं? हाँ जी हमें जो है डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर की तरफ से हमें एक मैसेज गया था कि यहाँ एक और अन्य जो है कमेटी जो वो कहती है कि हम ये इलीगल है और हम जो है सही हैं, तो उससे भी हमें बुलाया गया। तो हमने उनको सारा जो है पत्राचार कर दिया है और उससे बहुत संतुष्ट भी हो गए हैं कि वास्तव में जो एफिलिएशन होती है वो स्टेट बॉडी देती है, और हमने जो एफिलिएशन इनको दी है क्योंकि उनके कार्यकाल में कोई फेंसिंग को बढ़ावा नहीं मिला है, क्योंकि फेंसिंग ये एक ओलंपिक गेम है जिसमें बच्चों के आगे बढ़ने के जो बहुत चांसेस हैं। हमारे फेंसिंग में ईपी, फॉयल, साइबर, तीन तो अलग अलग मीट्स होते हैं, और अभी उसमें डबल भी होता है, तो बच्चे जो है उससे ज़्यादा जो है हिस्सेदारी अपनी सुनिश्चित कर सकते हैं। अभी हमारी एक लड़की जो है वो उसमें ज्योतिका दत्ता जो है एशियन गेम में छठा स्थान रहा है। तो हमीरपुर में जो है बिल्कुल ये प्रतियोगिता जो है बिल्कुल नई है। हाँ, पिछले 5-6 साल पहले जो हमने यहाँ पर प्रतियोगिता करवाई थी, तो अभी जो है मेरे को जो सुनने में जो समाचार पत्रों के माध्यम से जो मेरे ध्यान में आया है कि कुछ लोग जो है भ्रामक प्रचार कर रहे हैं कि यहाँ मोटी कमाई हो रही है, हमने तो किसी को सिंगल पैनी भी नहीं ली है, प्रतियोगिता कराएंगे उसकी एक एंट्री फीस होती है और वो भी हमने बहुत निचले स्तर पर रखी है, और उसमें जो हमने जो बीपीएल फैमिलीज के बच्चे हैं उनके लिए फ्री रखा है ताकि बीकर सेक्शन को भी जो है बढ़ावा मिले। हमारी जो फेंसिंग गेम है बड़ी कॉस्टली गेम है, ओलंपिक की बहुत पुरानी जो है गेम है, उसमें जो हमारी शॉट जो है वो लगभग 3,000 और 3,500 के करीब जो आती है, और हमने पूरी किट जो है लेनी है तो 20,000 के लगभग जो किट स्टैंड करती है। हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जैसे हमारा ऑपरेटर्स है तो 1.5 लाख का जो है हुआ है, और जो हमारी पिस्ट है जिसपे जैसे क्रिकेट में पिच होती है ऐसे हमारी पिस्ट होती है, वो 4-5 लाख रुपये उसकी कीमत होती है। तो यदि हम बच्चों से मिनिमम फीस जो है जो एंट्री फीस जो होती है हर एक गेम में होती है, मगर कुछ लोग जो है भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, और हम जो DAV स्कूल में प्रतियोगिता कराने का मन बना रहे हैं तो वहाँ मीडिया की तरफ से भी कुछ सोशल मीडिया की तरफ से ऐसा समाचार आया कि वो बहुत मोटी कमाई की, जबकि उनका तो उनसे लेना देना कोई नहीं, हम उनका जो है स्कूल का जो प्रांगण जो है वो खेल के लिए उपयोग में ला रहे हैं, तो स्कूल का तो कोई उसमें नहीं है। उसमें DAV के बारे में बड़ा चढ़ा के लिखा गया, और उनके जो प्रिंसिपल थे बड़े हाथ थे
कि मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं है, मैंने तो सिर्फ आपको ग्राउंड दिया है, मैं कौन सी मोटी कमाई कर रहा हूँ। तो उनके मन में था फिर चलो मैं जो जिन्होंने जो न्यूज लगाई है उनके खिलाफ वो डेफामेशन का केस करेंगे। तो मैंने भी चलो ऐसा है किसी पत्रकार मित्र ने लगाई है तो चलो उनसे बैठ के हम पूछेंगे भी आपने जो है किस उस पर लगाई है और जिन्होंने लगवाई है यदि उनको कोई आपत्ति होती, यदि उनको जिला जो कार्यकारिणी नहीं बनी है कुछ आपत्ति होती तो हमारे समक्ष लगाते, हमारे ध्यानार्थ लाते या हमारी हमारे से ऊपर बॉडी है फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया तो उनके ध्यानार्थ लाते, कोर्ट में जाते। इस तरह से सोशल मीडिया में बदनाम करना जो है कोई अच्छी बात नहीं है। और जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो हमारे नेशनल स्तर के कोच हैं जबकि उन्हें हमारी मदद करनी चाहिए थी क्योंकि नई गेम है, नए लोग हैं। तो मैं तो यही चाहूँगा प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते कि इस खेल को बढ़ावा मिले और हमारे बच्चे जो है वो प्रदेश स्तर पर और नेशनल स्तर पर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लें जिससे जो हमारे हमीरपुर का भी नाम रोशन हो। जैसे शिमला की लड़की जो है वो उस ओलंपिक में उसमें जो काफ़ी उसने नाम ज्योति का नाम कमाया है शिमला से, रोडू से है जी वो, अभी अभी इंडिया के कैंप में है वो, मेरे ख्याल जर्मन में है वो उस समय। कितने खिलाड़ी थे सर तकरीबन हिमाचल से, कितने खिलाड़ी इस टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हिमाचल से जैसे अलग अलग इवेंट होते हैं सर, अंडर 10 होता है, अंडर 12 होता है, अंडर 14 होता है, अंडर 17, अंडर 20, अंडर 23, फिर उसके बाद सीनियर, तो सब में 24-24 12 लड़के 12 लड़कियां पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हाँ जी, तो हम पिछले हमारी जो स्टेट चैम्पियनशिप हम करवाएंगे ये 16th है, 16वीं है। हाँ, तो हर एक चैम्पियनशिप में तकरीबन 150-200 बच्चा पार्टिसिपेट करता है, तो 16 के हिसाब से आप देख लो कि अगर 150-200 बच्चा पार्टिसिपेट किया तो नियर अबाउट 4,000-5,000 हमारा मतलब का प्लेयर पार्टिसिपेट कर चुका है और मेडल भी आ रहे हैं अब हमारे हिमाचल का। हाँ, ये ज्योति का दत्ता ये गोल्ड मेडलिस्ट नेशनल में है। ये किस एज ग्रुप में था इनका? ये सीनियर में। हाँ, सीनियर में और अंडर 23 में भी इसका गोल्ड मेडल था और अंडर 23 में जो पुणे में नेशनल हुआ था उसमें हमारी हिमाचल की टीम जो है वो सिल्वर मेडल था उसका, टीम इवेंट में। हाँ, हमारी ओवरऑल सेकंड आई थी इंडिया में। तो एक आर्मी का लड़का था परवीन सिपहिया, यहाँ से है, कांगड़ा से है वो, उसका भी ब्रॉन्ज मेडल था नेशनल में। तो इसमें बहुत सारे चांसेस हैं, 40 मेडल हैं इसमें जी। हाँ, बच्चा कहीं ना कहीं कोई ना कोई आ ही जाता है। वैसे अब हॉकी है, फुटबॉल है, अब देखो 16 प्लेयर खेलेंगे या क्रिकेट है 16 प्लेयर खेलेंगे या 15-11 खेलेंगे, तो इसमें 24 प्लेयर खेलेंगे और उनमें अलग अलग इवेंट हैं, मतलब नियर अबाउट 40 मेडल बन जाते हैं, तो बहुत चांसेस हैं इसमें। हाँ जी, तो कुछ सर, मेरा आपसे सवाल है, आपने बात करी थी जो आपके जैसे जो पूर्व अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, तो वो क्यों ऐसा प्रचार क्यों कर रहे हैं, वो भ्रामक प्रचार की ये जो एसोसिएशन बनी है वो सही नहीं है या फर्जी है जो भी उन्होंने कहा है? क्योंकि देखो अगर अखबारों में खबर छपी है या कुछ छपा है तो अखबार वाले तो नहीं जानते कि कौन अध्यक्ष है कौन नहीं, तो प्रेस नोट जारी हुआ उसी के बेस पे लगाते हैं खबरें, नहीं तो ऐसा क्यों उन्होंने ऐसा क्यों प्रचार किया है ना? जैसे अभी संदीप जी आपने बताया कि अध्यक्ष हैं वो कहते हैं कि मैं जिला अध्यक्ष हूँ और उन्होंने प्रेस नोट भी उसी माध्यम से दिया, तो ये क्यों है कंट्रोवर्सी क्यों है? कंट्रोवर्सी देखो अपने समय में तो जब उनके उत्तरदायित्व दिया था तो उनको प्रतियोगिता करवानी चाहिए थी, उन्होंने करवाई नहीं, जबकि वो नेशनल प्लेयर है, नेशनल कोच हैं और वो आर्मी से है तो समय के भी अभाव रहा होगा। अब जो उन्होंने हमारे यहाँ से सेक्रेटरी बनाई थी वो भी लेडी जो है वो एजुकेशन विभाग में है, तो वो भी समय जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है ये भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, तो समय का इनके पास अभाव रहा। मगर हमारा ये था कि यदि उनको कोई समस्या थी, इनसे कोई समस्या थी तो वो हमारे से बात करते,
या फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया से या कोर्ट से करते हैं, ऐसे सोशल मीडिया पर अपने ही उस ऑर्गेनाइजेशन का जिसमें आपको देखो ना कहाँ से कहाँ पहुँचाया, आपको नेशनल कोच बनाया, आप उसकी ही बदनामी कर रहे हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हमें भी लगा। जब आपने जैसे कार्यकारिणी को भंग किया है जी, जी, तो भी है, तो क्या उनको सूचित नहीं किया? बिल्कुल किया जी, जी। तो ऐसा था कि हमने जो है हमारा हाई कोर्ट में केस चल रहा था, हाई कोर्ट में कुछ और जिले के लोग भी थे जो अध्यक्ष पद की दौड़ में थे। माननीय हाई कोर्ट ने हमें आदेश दिया कि आप चुनाव कराइए। हमने चुनाव की तिथि सुनिश्चित की और उस तिथि को हमारे दो तीन जिले नहीं आए, उन्होंने पार्टिसिपेशन नहीं किया। मैं उसमें जो है प्रधान बन गया। अच्छा, कुछ उन लोगों की गुरबिजम वाली भी प्रॉब्लम बन गई। उसके बाद जो है हम जो है जैसे मैं प्रधान हूँ या हमारे सेक्रेटरी हैं, तो हम जो हमारी आगे बड़ी संस्था है जैसे FAI फैशन फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, तो हम उसको डाटा प्रोवाइड कराते हैं कि हमारी ये प्लानिंग है, ये हमारा सिस्टम है, ये हमारे इलेक्शन का जो है रिकॉर्ड है। तो हमने उनको कई बार लिखा, वो देखते नहीं थे। फिर हमने जो उनको 3 बार उसके बारे में नोटिस किया, लीगल नोटिस भेजे रजिस्ट्रियाँ की, ये आप आइए हमें वो डाटा प्रोवाइड करिए, क्योंकि हमने आगे भी देना है ना। तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कराया। फिर हमने जनरल हाउस की मीटिंग बुलाई और जनरल हाउस की मीटिंग में वो तीनों इकाइयाँ जो भंग करके हमने नई इकाइयाँ जो है वो बना दी। अब वो कोच है तो उनका जो उत्तरदायित्व बनता था कि आपके ज़िले में हो रही है, आप हमारी मदद करते, बिशर्ते कि आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इस प्रतियोगिता के बाद मैं भी बिल्कुल उनसे उनको कोर्ट में बुलाऊँगा, पूछूँगा कि भाई मुझे भी पता तो चले कि किसने हेराफेरी की है, करप्शन हुई कहाँ है। आप बोल रहे हैं ना कि लोगों ने मोटी कमाई की है, अभी तो हमारे पास तो किसी की एंट्री फीस भी नहीं आई है, मोटी कमाई कहाँ से हो गई। और बशर्ते जो कोई भी गेम होती है कि एंट्री फीस होती है, मगर उसमें हमने ये भी रखा हुआ है कि जो बीकर सेक्शन है उससे कुछ भी नहीं लेंगे।